आतिफ असलम के अपकमिंग मेगा ड्रामे संगे माह के तकरीबन तमाम पोस्टर्स को लॉन्च कर दिया गया, सिर्फ एक पोस्टर रह गया कुबरा खान का, अभी उसे लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन जो तमाम बाकी पोस्टर्स हैं वो तकरीबन ब्रेथ टेकिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग वाइब्स आ रही हैं इनसे, बहुत अच्छे लग रहे हैं पोस्टर्स। और इसके अलावा ये ड्रामा बहुत ही अनयूजुअल लोकेशंस पर शूट हुआ है, तो हमें एक विजुअल ट्रीट देखने को मिलेगी इस ड्रामे में। इसके अलावा आतिफ असलम एक प्यार में पागल इंसान की एक्टिंग करेंगे, जो मतलब प्यार में इस तरह अंधा हो चुका है कि पूरी दुनिया को भूल चुका है। और इसमें एक हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ का कोई स्टीरियोटिपिकल कोई रिवायत है उसके, मतलब उस पर बनाया गया, इसमें आपको एक सोशल मैसेज भी देखने को मिलेगा। तो अभी जो पोस्टर्स लॉन्च हुए हैं वो सबसे पहले हुआ है आतिफ असलम का, फिर नुमान इजाज़ का, सानिया सईद का, सामिया मुमताज़ का, हानिया आमिर का और ज़ावियार नुमान, जो कि अपने बाप के साथ मतलब नुमान इजाज के साथ ही आपको इस ड्रामे में नजर आएंगे। इसके अलावा इसकी स्टारकास्ट में कुबरा खान भी है, उनका भी पोस्टर लॉन्च नहीं हुआ। सैफी हसन इस ड्रामे के डायरेक्टर के मुताबिक इसकी रिलीज डेट तकरीबन जनवरी रखी गई है, तो इसके टीज़र आपको इसी महीने देखने को मिलेंगे और इसके टीज़र आपको 10 से 17 या 20 दिसंबर के दरमियान देखने को मिल जाएंगे। और फिर ये ड्रामा प्रॉबेबली अगले साल के शुरू में तकरीबन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप बताएं कि आप इस ड्रामे के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आप ये ड्रामा किसके लिए देखेंगे। बाज लोग ये भी कह रहे थे कि ये संगे मरमर का सीक्वल होने वाला है, ये सीक्वल तो है लेकिन इसकी कहानी उससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं होगी, और इसके अलावा जो इसका थर्ड पार्ट आएगा संगे स्याह, उसमें भी आपको एक डिफरेंट कहानी देखने को मिलेंगी। अभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये ड्रामा बहुत बड़ा हिट हो और हमें संगे स्याह इससे भी बड़ा देखने को मिले। तो आप ज़रूर बताएं कि आप इस ड्रामे के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आप ये ड्रामा किसके लिए देखेंगे। ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो ये ड्रामा आतिफ असलम के लिए देखेंगी क्योंकि ये उनका डेब्यू प्रोजेक्ट होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।